खलबली मच गई जब वाड़ी के खंडगांव रोड पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक में एक महिला के साथ अत्याचार होते देखा। ट्रक चालक ने भरगांव रोड को हथियार से टक्कर मार दी थी तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोहलीपुरा जिला हरदा यूपी में पति पत्नी के घर में परिवार के बीच हुए विवाद के चलते यूपी से निकली थी। थोड़ी दूर से ट्रक नंबर MP17NH2684 के चालक का नाम इरशाद खान वल्द वाहिद खान 35 निवासी उज्जैन और क्लीनर विष्णु चौहान उम्र 22 वर्ष ने दोनों पति पत्नी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। ट्रक में केमिकल माल के ड्रम लदे थे। पति पत्नी दोनों ने ट्रक में बैठकर दो दिन तक ड्राइवर व क्लीनर के साथ सफर तय किया। चालक ने पति पत्नी के लिए भोजन और सुविधाएं उपलब्ध कराई। ड्राइवर ने भी काम देने की बात कही और नासिक जाने की बात छोड़ी। इसी दौरान चालक और क्लीनर दोनों ने पत्नी से दुष्कर्म की साजिश रची। चालक ने पति को खूब शराब पिलाई। वाड़ी में आकर चालक ने खंडगांव रोड में नरेश भट्टी से शराब ली। आखिरकार बीच सड़क पर चालक ने हथियार दिखाया और पति को भागने के लिए कहा। इस दौरान पति डर गया और मदद के लिए दौड़ा। जब किसी को पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो शिवराज ढोल ताशा पथक के शुभम डवरे और लोकेश जगताप से उसने पूछताछ की और रात 11 बजे वाड़ी शुभम मौके पर गए तो देखा कि ट्रक के दरवाजे और खिड़की पर कपड़ा बंधा हुआ था। तभी अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। सारा माजरा समझते ही शुभम ने तुरंत वाड़ी पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। आखिरकार क्लीनर और चालक पर धारा 366, 354, 506, 34 उपधारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक नवीन जोड़पा है, लग्न के लिए गरीब मजूर आहे, ते हरदा जिल्हा मध्य प्रदेश मधले राहणारे आहेत। त्यांचं म्हणणं असं आहे की हमारी शादी हुई तो घर वालों ने हमारे साथ मैं काम नहीं करता, इसलिए कुछ किसी कारण से उनका झगड़ा हो गया। तर म्हणे आम्ही रागावून घरच्यांना रागावून एका ट्रकला हात दिला आणि बायको सोबत हरदा मध्य प्रदेशवरून ते इकडे आले। खडगाव रोड वाडीमध्ये एक गोडाऊन आहे, तिथे त्यांनी तो काही सामान खाली केला आणि त्याच्यानंतर त्या फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार एक कंडक्टर आणि ड्रायव्हर हे दारू प्यायले। दारू पिताना त्यांनी तिच्या नवऱ्यालाही दारू पाजली आणि नंतर ते तिच्या नवऱ्याला गाडीतून खाली उतरवलं आणि ते तिला घेऊन किडनॅपिंग अपहरण करून पळून जात होते। नंतर तिने त्या ट्रकमधून उडी मारली, आरडाओरडा केला, तोपर्यंत त्या फिर्यादीचा नवरा मागून एका गाडीला हात देऊन पाठलाग करताना येत होता। तोपर्यंत आमचे इन्स्पेक्टर गोडबोले साहेब आणि त्यांची टीम यांनी कंट्रोल रूमला ती माहिती कळवली आणि कंट्रोल रूमने संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये नाकाबंदीच्या सूचना दिल्या। तर त्या गाडीचा पाठलाग सगळे आमचे गोडबोले साहेब आणि त्यांची टीम करतच होती। ते सदर पोलिसांच्या हद्दीमध्ये त्यांना पकडण्यात आलं त्या ट्रकला, आणि ट्रकला पकडल्यानंतर मग तात्काळ गोडबोले साहेब आणि त्यांची टीम तिथे गेली। त्यांनी एका आरोपीला अटक केली, दुसरा आरोपी फरार होता मात्र त्यालाही आता अटक करण्यात आलेली आहे। आणि अपहरण करून विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, चाकू दाखवून दमबाजी केली अशा प्रकारची फिर्याद त्या महिलेने दिल्यावरून तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आणि घटनेच्या काही तासाच्या आतच, खरं म्हणजे काही मिनिटाच्या आतच आरोपींना अटक करण्यामध्ये वाडी पोलीस यांचे इन्स्पेक्टर गोडबोले, आमची CR मोबाईल रात्रीची पेट्रोलिंगला होती ती, आणि आमच्या लोकांनी यश मिळवलेलं आहे, दाखल केलेलं आहे। आता बाकीचा तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात उनके साथ हम आए नासिक तक और उन्होंने मंडी पे खाली करा उनका ट्रक। फिर उसके बाद में ट्रक ले आए, ढाबे पर खड़ा करा मेरे पति को, उसने दारू पिलाया और फिर खाना खाने गए। हम ट्रक में बैठे तो मेरे पति को धमका डरा के उन्हें ट्रक से बाहर हेड़ दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैं ट्रक से कूद गई। उसके बाद में उनको दोनों को जेल में लाए, मेरे पति में सब हम दोनों भी आए साथ में। जबरदस्ती की थी, मेरा पल्लू वल्लू खींचा उन्होंने, साड़ी आड़ी खोली तो मैं ट्रक से कूद गई अपनी जान बचा कर। गले पे चाकू भी रखा था उसने। हरदा जिला का हूँ, घर से दिक्कत हो गई थी मेरे पे कर्जा था, तो घर वालों झगड़ा कर लिया, तो हमने दोनों मियाँ बीवी घर से निकल गए। तो रात में बाहर नहीं मिला तो किरक वाले को मैंने हाथ दिया, तो किरक वाले ने रोक भी लिया। वो साथ में लाया तो जो MP के बॉर्डर है वहाँ पे मैंने बोला भैया मेरे को, हमको यहाँ उतार दो, मैं कहीं भी काम ढूंढ सकता हूँ।
तो ये बोले तुम्हारे साथ लेडीज है, हम आपको यूँ नहीं छोड़ सकते इसे। तो फिर मैं बोला ठीक है, तो इधर भी लाया तो मैं बोला भाई हम अब जाए, तो बोले नहीं हम तुमको लगा देंगे काम पे। तो अब जहाँ पे आधी आधी गाड़ी खाली करी उन्होंने, मैं बोला यहाँ काम ढूंढ लो, बोले यहाँ नहीं, यहाँ पे पूरी गाड़ी खाली होगी, वहाँ बड़ा गोडाउन है, तो वहाँ अपन सर से बात कर लेंगे। तो वहाँ भी करी मैंने, तो उनके साथ इधर आया गाड़ी वाड़ी खाली करके, तो उन्होंने बोला तो दारू पीता, मैं नहीं पीता हूँ, बीड़ी पीऊँगा मैं तो बीड़ी पिया, तो दारू जबरदस्ती उन्होंने गेट लगा दिया, एक चाकू इधर से रख लिया ना एक इधर से रख लिया, तो यहाँ पे मेरे चाकू टेक दिया उन्होंने, वो धमकी दादा की धमकी दे के कुछ आएगा जान से मार दूँ ऐसा वैसा। तो मैंने उनको ये बोला तो मेरी बीवी तुम्हारे पास बैठी है, मैं पेशाब फिर के हूँ, जैसा पेशाब फिरने के लिए उतरा तो मैं से लोगों से मदद मांगा, भैया लोग से मदद मांगा, तो मेरी मेरी वाइफ गाड़ी में है, सबको अक्को रख रहे, कोई जोर जबरदस्ती छीना छीनी छेड़खानी कर रहे हैं। जब भैया लोग दो चार भैया लोग गए तो उसने ट्रक भगा लिया, और मेरी वाइफ ट्रक पर बैठी थी, तो बड़ी मुश्किल से उनने हाथ छीना कर कर वो ट्रक में चलती ट्रक में छलांग मार दी। फिर गंज लोग पुलिस गंज पब्लिक पीछे पड़ी, उनको जब मेरी वाइफ को बचाया, उनको पकड़ा और पुलिस थाने में लाया। तो आमच खड़गाव रोडला शिवराज डोंटाच्या पथकाचं ऑफिस आहे, काल आमचं तिथे लक्ष्मीपूजन होतं, त्यानिमित्त आम्ही सर्व तिथे होतो। त्यावेळेस आमच्याकडे एक अपरिचित दादा असे धावत आले आणि आम्हाला मदत मागितली, ते बोलले की माझ्या वाईफसोबत काहीतरी चुकीचं काम होतं आहे, प्लीज मला मदत करा असं करा। त्यावेळेस आम्ही मी आणि माझा सहकारी लोकेश जगताप आम्ही लोक तिकडे गेलो, आम्ही बघितलं की एका एक यूपीचा ट्रक होता, त्या यूपीच्या ट्रकमधनं त्यांची वाईफ आणि ते तिथनं बसले होते, ते लोक नाशिकला आपल्या कामाच्या शोधामध्ये निघले होते, आणि ते इथे खळगाव रोडला आर्को ट्रान्सपोर्टजवळ त्यांनी ट्रक थांबवला होता ट्रक ड्रायव्हरनी, आणि त्यांच्या हस्बंडला दारू पाजून दिली होती आणि त्यांना ट्रकमध्ये उतरून दिलं, आणि ट्रक ड्रायव्हर आणि कंडक्टर या दोघांनी मिळून त्यांच्या वाईफसोबत काही चुकीचे कामं करण्याचा प्रयत्न केला। ते असे त्या दादांनी आम्हाला सांगितलं, आम्ही जेव्हा त्या ट्रकजवळ गेलो त्यावेळेस ट्रकचे पूर्ण दार बंद होते, मग आम्ही आवाज दिला, ट्रक ड्रायव्हरने काही रिस्पॉन्स नाही दिला, मग मी आणि माझा सहकारी लोकेश जगता आम्ही ट्रकवर चढण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रक ड्रायव्हरनी ट्रकमधून चाकूसारखा एक हत्यार आमच्या अंगावर फिरवण्याचा प्रयत्न केला आणि ट्रकला चावी लावून ट्रक पळवला। मग कंटिन्युअली आम्ही त्याच्या मागे मागे गेलो, तर ट्रकमधनं खळगाव रोड टी पॉईंटवर एमर्जन्सी टी पॉईंटवर त्यांच्या वाईफला ट्रकमधून फेकण्यात आलं आणि ट्रकवाला नॉनस्टॉप रॉंग साईडला कंटिन्यू ट्रक चालवत गेला, तो कुणाचीच पर्वा नव्हता करत आणि नॉनस्टॉप चालवत होता। तर माझा सहकारी लोकेश जगताप मुकुल या दोघांनी त्याचा पाठलाग केला आणि सदरमध्ये त्याला पकडलं आणि मग ट्रक ड्रायव्हरला पोलिसांच्या ताब्यात केलं आणि ट्रकांचं थोडंसं मानहानी झालं।